नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 19 और 20 दिसंबर को कुछ राजनीतिक पार्टियों का धरना प्रदर्शन और जुलूस का ऐलान किया गया था। इसी के मद्देनजर पूरे मेरठ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में आज सुबह अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। किसी भी हालात में निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सरकार से क्या क्या मांगे रखी हैं आपने? देखिए, सरकार से जो किसान के विरोध में काम चल रहा है, गन्ने किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा, 3 साल से गन्ने पर 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कैब के लिए प्रदर्शन था वो उसको स्वीकार ना करने के लिए, और सब लोगों ने इकट्ठा मिलकर यहाँ पर जो काम किया है, जिससे पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार इकट्ठा होकर दबाना और कुचलना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रदेश व्यापी आंदोलन था, हम सब लोगों ने मिलकर इस प्रदर्शन को किया, लेकिन पुलिस ने सामने से रोक लिया और हमने अपना ज्ञापन उनको दे दिया। आपके 2 कार्यकर्ता पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए, उनको छुड़वाने की बात नहीं करी? देखिए, अभी उनको जो गिरफ्तार कार्यकर्ता किए गए हैं, अलग अलग समय पर उनकी बात उठाई जा रही है, अधिकारियों से बात की जा रही है। ये सरकार पुलिस को आगे कर काम कर रही है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से लोगों को जेल भेजा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, लेकिन हम प्रशासन के लोगों से कहना चाहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, आज किसी और की है, कल हमारी भी होगी, इसलिए सोच समझ कर काम करें। ये तो एक तरीके से एक बात बताइए कि आप ये जो लोग नीचे गए थे सांकेतिक प्रदर्शन के लिए, अब आगे भी कंटिन्यू करेंगे सर? देखिए, आंदोलन समाजवादी पार्टी से जब जब कोई दिशा निर्देश मिलता रहेगा, यह आंदोलन लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। महिला शक्ति को आप बिल्कुल भी आगे लेकर नहीं आ रहे हैं, जबकि महिलाओं की स्थिति प्रदेश में बहुत खराब है। हमेशा महिला शक्ति को समाजवादी पार्टी ने बढ़ाने का काम किया, आज भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की महिला शक्ति यहाँ पर। धन्यवाद।